हेलो एंड वेलकम टू द दोस्तों ऑटो कंपेयर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, टाटा मोटर्स ने अपनी नई गाड़ी अनवील की है जिसका नाम है टाटा पंच। देखो दोस्तों, इस गाड़ी को कुछ दिन पहले आज से लोग टाटा HBX कह रहे थे, लेकिन कंपनी ने इस गाड़ी का नाम बदल दिया है टाटा पंच कर। इस गाड़ी का जो डिज़ाइन पैटर्न है वो काफ़ी हद तक हैरियर और सफारी जैसा ही रखा गया है। अब जैसा ये गाड़ी फ्रंट से देखने में लग रही है, तो आप सफारी, हैरियर या फिर इसका टाटा पंच जो आप कह रहे हैं इसको, इसके डिज़ाइन को पहले देखिए, सेम टू सेम यही पैटर्न दी गई है। टाटा की ये गाड़ी जो पंच है, ये टाटा की तरफ से प्रेजेंट टाइम में इंडिया में सबसे सस्ती गाड़ी मिलने वाली है। यहाँ पे मैं बात करूँ इस गाड़ी की डिज़ाइन की, तो इस गाड़ी को बनाया गया है अल्फ़ा आर्क आर्किटेक्चर पर। अब अल्फ़ा आर्क आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर है जिस पर अल्ट्रॉस जैसी गाड़ियाँ बनाई गई हैं। मतलब कि अगर ये गाड़ी इस आर्किटेक्चर में बनी है, तो अगर ये सेफ्टी टेस्ट में जाएगी तो डेफिनेटली 5 स्टार की तो सेफ्टी रेटिंग पक्की होने वाली है। बात करते हैं सेगमेंटेशन की। तो दोस्तों देखिए, सेगमेंट की बात करो तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग इसे एस्प्रेसो एंड क्विड के सेगमेंट पे रख के देखते हैं, तो कुछ लोग इसे स्विफ्ट के सेगमेंट पे देख के रखते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो गाड़ी है दोस्तों, इन दोनों सेगमेंट के बीच में आती है, जिसमें सेंट्रो और वैगनार जैसी गाड़ियाँ आ रही हैं, उस सेगमेंट पे ये गाड़ी हो सकती है। यह जो गाड़ी है वो टियागो के थोड़े से नीचे वाले सेगमेंट में आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। जब ऑटो एक्सपो में इसका इंटीरियर थोड़ा सा अनवील किया गया था, तो इसका इंटीरियर बहुत हद तक दिखने में अल्ट्रॉस से इंस्पायर लगता है, जहाँ पर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉयड, एप्पल कार प्ले, नेविगेशन सपोर्ट करती है। रियर पार्किंग कैमरा भी इसमें देखने को मिलेगा। 4 स्पीकर्स आएंगे और ये हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें देखने को मिलने वाला है। गाड़ी के इंजन की बात करूं, तो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन। अब ये जो इंजन है टर्बो में भी अवेलेबल हो सकता है। अब यहाँ पर क्या इंजन का पावर होगा, ये अभी कंपनी ने अनवील नहीं किया है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। बाकी आज के डेट में CNG गाड़ियों की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ चुकी है, तो टाटा मोटर्स से मेरी अपील रहेगी कि यार, अगर आप पेट्रोल दे रहे हो, अगर इसमें CNG भी लगा के दे दो, तो भाई मज़ा आ जाएगा। आपकी ये गाड़ी पूरे मार्केट को कवर कर सकती है। एक तो टाटा का लोहा, टाटा का भरोसा, सेफ्टी में तो कोई डाउट है नहीं हमें, लेकिन अगर CNG वाला मज़ा मिल जाए, 30-35 का माइलेज मिल जाए, आई थिंक 27 का भी माइलेज निकाल दें इनका CNG वाला मॉडल, तो मैं ये कहता हूँ ना, वैगनआर जैसी जो गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, स्विफ्ट जैसी गाड़ियाँ जो पड़ी हुई हैं, उन पे बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में। बाकी CNG अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें CNG, #CNG टाटा टाटा, ये क्या टाटा पंच, हाँ ये नाम है CNG टाटा पंच को आप शेयर करें इस वीडियो को, ताकि टाटा मोटर्स तक ये वीडियो पहुँच जाए। अब बात करता हूँ एक्सपेक्टेड प्राइस की। तो एक्सपेक्टेड प्राइस मुझे क्या लगता है टाटा पंच का, तो वो है 5 लाख से 8 लाख रुपए के बीच में, या फिर टाटा भी महिंद्रा की तरह कुछ धमाल मचा सकती है। जैसे कि XUV 700 का किसी ने प्राइस सोचा नहीं था कि 12 लाख से शुरू होगी, तो उसी प्रकार से अगर टाटा भी कुछ ऐसा धमाका कर दे, 4 लाख की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च कर दे, तो मज़ा आ जाएगा। बाकी प्राइसिंग मेरी एक्सपेक्टेशन है 5 लाख से शुरू होने वाली है। आपको क्या लगता है, टाटा पंच क्या मार्केट में तहलका मचाने वाली है? कि ये गाड़ी वैगनआर, एस्प्रेसो, स्विफ्ट जैसी गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी या नहीं, जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। CNG मेरे ख्याल से इसमें आना चाहिए, और ज़रूरत है आज के डेट में कि CNG गाड़ी टाटा इस पर थोड़ा ध्यान दे दे। दोस्तों क्या लगता है, टाटा पंच आपको कैसी लग रही है गाड़ी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल ऑटो कंपेयर को। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।